झांसी में बुंदेलखंड राज समर्थकों ने पुलिस के साथ झड़प के बीच पीएम मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के पुतले जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने अधजले पुतलों को छीनकर कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, यह देख राज्य समर्थक भानु सहाय ने पुलिस के सामने आत्मदाह का प्रयास भी किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया। इस दौरान भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात रही। इस दौरान बताया गया कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी मंच से उमा भारती ने सरकार बनाने के 3 वर्ष बाद बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा किया था। उमा भारती की इस घोषणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ ने भी चुनावी मंच से पूरा करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन जनता से किया गया यह राज्य निर्माण का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण लगातार राज्य समर्थक भानु सहाय के नेतृत्व में प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम चला रहे हैं। यह प्रदर्शन जब तक रहेगा जब तक कि राज्य निर्माण नहीं हो जाएगा। इस दौरान रघुवीर शर्मा, अशोक सक्सेना, गिरजा शंकर, हमीदा अंजुम समेत कई राज्य समर्थक मौजूद रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, उमा भारती ने इसी झांसी महानगर में हम लोगों को ये वादा किया था, ये वचन दिया था कि जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार बनेगी 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। 5 साल पूरे होने आ गए, 4.5 साल खत्म हो गए, 5 साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और आज जिस तरह से इतनी भारी संख्या में पुलिस आई, पीएसी तैनात की गई, वज्र वाहन लगाया गया और हम लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, अब कहीं ना कहीं हमको ये लगने लगा है कि सत्ताधारी दल अपने वादे को छुपाने के लिए, अपने वादे से मुकरने के लिए अब उत्पीड़न के रास्ते पर आगे बढ़ चढ़ा है। लेकिन हम भी बुंदेलखंडी हैं, हमें कोई दबा नहीं सकता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब किसी भी सूरत में बुंदेलखंड राज निर्माण का आंदोलन ना थमने वाला है ना रुकने वाला है। हम आपके चैनल के माध्यम से उमा जी को ये चैलेंज देना चाहते हैं कि 2019 का चुनाव वो इस लोकसभा से पुनः लड़ें। उनकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि हर बुंदेलखंड वासी अब खड़ा हुआ है कमर कस के और उनको इस समझ में आ गया है कि वादा खिलाफ लोगों को हमको यहाँ से खदेड़ना है, भगाना है। आज हम लोगों ने मोदी जी का, राजनाथ सिंह जी का और उमा भारती जी का पुतला फूका। जो पुलिस ने अभद्रता की है, जिस तरह से हम लोगों को रोकने का कार्य किया है, जिस तरह से बल का प्रयोग किया है, आज हम गर्व से कह सकते हैं अपने बुंदेली भाइयों के साथ, अपने बुंदेली योद्धाओं के लिए, कि ये भारी पड़े इतने इतने पुलिस बल के ऊपर भी और ये टूट पड़े और अपना पुतला जलाने का जो पहले से संकल्प था आज उसको सामने करके दिखाया है। अब ये अपना संकल्प पूरा करके दिखा दें। हमने तो पुतला जलाने का संकल्प जो लिया था जला के दिखाए, अब तुमने राज बनाने का संकल्प लिया था, तुम भी राज बना के दिखाओ।